दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। ये एक ऐसा प्लान है जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें कमेंट किया था, उन्हीं के कहने पर डिज़ाइन किया है। ये पूरा मॉडल आज हम डिस्कस करेंगे। 20x30 फिट में बहुत ही बेहतरीन सा प्लान आपको देखने को मिलने वाला है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किसने कमेंट किया था मेरे पिछले वीडियो में। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक इस माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो अब जैसे नीचे आते हैं, मेरा देखिए पिछला वीडियो जो मैंने डाला था 23x36 का, उसमें सबसे पहले एक कमेंट आया था गजब गेमिंग नाम से, बाई 20x30 का प्लाट बनाइए 3 बेडरूम के साथ। इसके बाद एक लोगों और कमेश्वर प्रसाद जी हैं, इन्होंने कमेंट किया था, सॉरी ये दीपक शाह जी हैं, 20x30 हाउस प्लान मस्त डिज़ाइन, फ्रंट ग्राउंड फ्लोर 3 बेडरूम किचन टॉयलेट टेम्पल वगैरह, इन्होंने बोला था। मतलब 20x30 का डिमांड ज़्यादा था, हालांकि कमेंट तो बहुत सारे आए बट सभी का बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैंने 20x30 का चूज़ किया क्योंकि यहाँ पर दो लोगों को कमेंट थे अप्रॉक्स में, तो उन्हीं के कहने पर 20x30 का आज मॉडल मैंने क्रिएट किया है। ये पूरा बेहतरीन सा मॉडल मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करूँगा अगर इसके हम ग्राउंड फ्लोर की, मैं आप पहले जूम करके दिखा देता हूँ। इसका जो मैंने मॉडल दिया है वो अभी सिर्फ ईंटों का टेक्सचर ही दिया है और इसमें ग्रिल वगैरह इस्तेमाल किया है, साथ साथ एक छोटा सा बालकनी टाइप का बारंदा और स्केच वगैरह सारा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर कर रखा है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, देखिएगा ये स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे। इस साइड में भी ओपन है, अगर आपका ओपन नहीं तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं, विंडो हटा सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर देखिए पिलर पर मकान पूरा डिज़ाइन इसका, ये यहाँ पर देखिएगा बीम दिया है मैंने जो कि स्टाइलिश बीम साइड में। ये लगभग 6 फीट का स्पेस है जो बारंदा आप देख रहे हैं 6 फीट का, क्योंकि मैंने आगे स्टेयर्स दी हैं। ये देखिए स्टेयर्स चढ़ने के लिए आपका यहाँ से चढ़ के स्टार्ट जाएंगे, चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर वापस आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर स्टेयर्स है, इसी में आपका ये बालकनी टाइप का आगे 6 फीट का अप्रॉक्स में, तो 6 फुट का ये बारंदा छूट जाता है। इसके बाद ये मेन डोर है जो कि आप देखिए यहाँ पर दिया है मैंने, ये विंडो है। जैसे आप एंट्री करते हैं मेन डोर से तो आपको एक हॉल टाइप का मिल जाता है, आंगन मिल जाता है। पीछे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, यहाँ पर 3 बेडरूम की रिक्वायरमेंट बोली गई कि 3 बेडरूम के साथ बनाइएगा, बट मैंने यहाँ 2 बेडरूम के साथ बनाया है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे इस वजह से। अगर आप 3 का चाहते हैं तो मैं अगली बार बना दूंगा। तो आप ये आंगन है, यहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे इस बेडरूम में, साथ साथ यहाँ से देखिएगा आप जाते हैं पीछे, तो ये वाला एरिया आपका लेट एंड बाथ का है। उसके आगे मैं किचन बनाया है, किचन में वेंटिलेशन के लिए यहाँ स्टेयर्स के नीचे विंडो दे रखा है जिसमें आप प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। तो ये बारंदा और आपका इसका स्टेयर्स, इसका दी आंगन और 2 बेडरूम, ये पीछे आप किचन एरिया जहाँ पर ये लगभग 3.5 फुट का मैंने स्पेस दिया, जहाँ से आप किचन लेटरन बाथ में जा पाएंगे। ये आगे आपका ओपन किचन है जो कि आंगन में मैंने क्रिएट किया साथ साथ 2 बेडरूम के साथ। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर का हो गया, जिससे मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूँ, उससे आप और इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। अब हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पर कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, चारों तरफ 3.5 फुट का बाउंड्री और आपका जो स्टेयर्स था उसको ढकने के लिए गुमटी, और ये आपकी ग्रिल है यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है। ये देखिए ये नॉर्मल सी ग्रिल है, सिंपल सी ग्रिल है जो आप देख पा रहे होंगे। लास्ट फ्लोर पर स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा बना दिया है। तो यही पूरा 20x30 फुट में मॉडल बनकर रेडी हो जाता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग। हालाँकि अगर आप एक और बेडरूम बनाना चाहते तो आपको आगे का बारंदा वगैरह नहीं बनाना होगा, तभी आपका बेडरूम बन पाएगा, अन्यथा आपका फिर जगह नहीं बचता है प्रॉपर तरीके से, तो आपको उसका ध्यान देना है। तो 20x30 में ये प्रॉपर सा मकान आपको बनकर रेडी हुआ, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग जैसा भी लगा हो जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। थैंक